आरोपों के तीर चला के गए हैं। As I mentioned, this session will be conducted in Hindi. Please write down your questions and we will pass them on to the moderator. Shashi, it's over to you. जो शख्सियत है इनमें इनका परिचय देने की किसी को जरूरत नहीं है, इनके काम बोलते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी आपके ऊपर बहुत से आरोपों के तीर चला के गए हैं और आपको खुशी होगी उन्होंने राफेल नहीं बोला, आपको खुशी होगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किसानों के बारे में नहीं बोला, तो आपकी किसी दुखती रग पे उन्होंने हाथ नहीं रखा है। लेकिन उन्होंने वैसे मेरे ऊपर भी आरोप लगाते तो मुझे खुशी होती। हेल्दी डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी है और आज तक अपनी पॉलिटिकल लाइफ में यदि किसी ने मेरे संबंध में कुछ कमेंट भी किया है, एडवर्स कमेंट भले ही क्यों न किया हो, लेकिन कभी भी मैंने नाराज़गी जाहिर नहीं की, उसका स्वागत किया है, सदैव किया है। उन्होंने कोई भी किसी पर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाया, लेकिन उनका सबसे पहला आरोप ये था, जैसे उन्होंने एक सवाल पूछा मासेस से यहाँ पर और उन्होंने पूछा कि आपको मालूम है कि इन लोगों ने कोई भी नया इंस्टीट्यूशन बनाया हो, जवाब नहीं मिला किसी को भी, किसी से भी। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप हर इंस्टीट्यूशन को ख़राब कर रहे हैं, जैसे वाइस चांसलर होने की पात्रता जो है वो आज की तारीख में आरएसएस का काडर होना है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये आरोप पूरी तरह से बेसलेस है। अच्छा रहा होता कि संबंध में कोई एक उदाहरण उन्होंने दिया होता कि फला वाइस चांसलर की का जो सिलेक्शन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, अप टू द मार्क नहीं है वाइस चांसलर होने के, तब मैं उसका सही उत्तर दे पाता। और यदि उस वाइस चांसलर के बारे में मुझे जानकारी न होती तो मैं उस संबंध में जानकारी हासिल करके भी मैं उत्तर दे सकता था। लेकिन जो भी सिलेक्शंस होते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जिन लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, वो मेरिट के आधार पर होते हैं, रिकमेंडेशंस के आधार पर नहीं होते। उन्होंने कई उदाहरण दिए वाइस चांसलर्स के, भले ही ना दिए हों, जैसे उन्होंने एम्स का उदाहरण दिया, उन्होंने आईआईटी का उदाहरण दिया, उन्होंने चुनाव आयोग का उदाहरण दिया। उन्होंने ये कहा कि जजेस को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि वो आप लोगों से आक्रांत हैं, जो अंग्रेज़ी में उन्होंने शब्द बोला उसका हिंदी अनुवाद यही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है? देखिए, सदैव हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी किसी भी सूरत में लोअर डाउन ना होने पाए। डेमोक्रेसी में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई संस्था हो अथवा कोई व्यवस्था हो, यदि वह कमजोर होती है तो मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र कमजोर होता है। तो सारी संस्थाओं की और पूरे सिस्टम यानी पूरी व्यवस्था की भी साख, विश्वसनीयता बनाकर रखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश हुई है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उस पर रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया है। होता है कभी किन्हीं कारणों से हुआ होगा, लेकिन सारी चीज़ें पूरी तरह से नॉर्मलाइज हैं इस समय। राहुल गांधी की बात को छोड़ते हैं, अब मैं आप पर आता हूँ। आपके बारे में कहा जाता है कि आप सरकार के संकट मोचक हैं। अभी दिल्ली के दरवाजे पर किसान डटे हुए थे, शाम के 9:30 बजे तक उनका दावा था कि वो करो या मरो की स्टाइल में वो लौटेंगे नहीं, वो आपके पास गए और उसके बाद वो सवेरे गायब हो गए। ये आखिर आपके पास ऐसा कौन सा रामबाण है? क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा में ऐसा हुआ था कि किसान बाकायदा ट्रेन्स रोक रहे थे, कुछ उन्होंने ऐसी हरकतें की जो कि उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, कश्मीर के मामले पर भी, लेकिन उस पर बाद में आऊँगा। तो पहले किसानों की बात करें, आखिर आपने बुला के उनको धमकाया क्या कि वो घबरा के भाग गए? वैसे सबसे पहली बात कि मैं संकट मोचक तो बन नहीं सकता क्योंकि हमारे पास पूंछ नहीं है, और दूसरी चीज मैं अपना सीना खोल कर भी दिखा नहीं सकता कि हमारे दिल में क्या है, हमारे सीने में क्या है। लेकिन किसानों ने जो अपना आंदोलन प्रारंभ किया था, उनकी कुछ डिमांड्स थी, उस संबंध में स्वयं इनिशिएटिव लेकर मैंने उन्हें आमंत्रित किया था कि आइए आपके साथ बैठेंगे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी उनकी डिमांड्स थी, उस पर लगभग 2-2.5 घंटे तक बहुत ही डिटेल में जाकर चर्चा हुई और
कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तुरंत पूरी नहीं की जा सकती थी, तो उसके बारे में जो एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर थे उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दी गई, ताकि बराबर जिन चीज़ों के संबंध में आश्वासन दिया गया है समय समय पर उसको रिव्यू करते रहेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, वो पूरी हुई हैं अथवा नहीं हुई हैं, और साथ ही आगे जो अन्य उनकी सारी डिमांड्स हैं उन पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है, कैसे उसे फुलफिल किया जा सकता है, इसको भी देखेंगे। उससे लोग संतुष्ट हुए और लोगों ने फैसला किया कि ठीक है हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं। और कोई भी एजिटेशन डेमोक्रेसी में यदि प्रारंभ होता है तो बातचीत के माध्यम से ही उसका हल निकलता है। हाँ, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी अथवा कोई पॉलिटिकल लीडर बहुत ही एरोगेंट होता है तब वह मामला कॉम्प्लिकेटेड होता है, हल नहीं निकल पाता। लेकिन उनके बीच मैंने काम किया है, मैं भी बहुत साधारण परिवार का एक व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा किसान परिवार का मैं भी रहने वाला हूँ, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं रहा हूँ, उन्हीं के बीच का हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ, उनकी समस्याओं को समझता हूँ, हल कैसे निकाला जा सकता है, कैसे निकल सकता है, इसको भी जानता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझ भरोसा किया, विश्वास किया हमारी सरकार के ऊपर, और उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। हाँ, ये बात सच है, नहीं यदि कभी पूरी होंगी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उसे पूरा करेंगे, जो कहा है उसे करेंगे। भारत की पॉलिटिक्स में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इस आज़ाद भारत में पैदा हुई है, हम लोगों ने उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, हम इसे डीपन नहीं होने देंगे, गहरा नहीं होने देंगे, विश्वास का संकट नहीं पैदा होने देंगे। मैंने संकटमोचक शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया था, मैं फिर उस शब्द पर लौटना चाहता हूँ। रात के 9:30-10 बजे तक लखनऊ से कोशिशें होती रही, तरह तरह के बयान शाया होते रहे वहाँ से। इससे पहले मैंने हरियाणा में भी मुद्दा जब था तब देखा था इसी तरीके से, कि जब मुख्यमंत्री और सारे लोग कोशिश कर करके फेल हो गए तो अचानक आप आते हैं, और उसी रात में, ये आधी रात को क्या होता है कि सब सुलझ जाता है, सवेरे से सब ठीक हो जाता है, तो ये आधी रात का रहस्य जरा शेयर कीजिए हम लोगों से। मैं नहीं कर सकता सचमुच, इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो वे ही लोग दे सकते हैं जिन लोगों के द्वारा एजिटेशन चलाया गया था। क्यों भरोसा किया, क्यों विश्वास किया, इतनी बात तो पक्की है ना, जो काम करूँगा ईमानदारी के साथ करूँगा, इस पर तो मैं समझता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखकर कोई पूछेगा तो इतना तो भरोसा रखेगा कि राजनाथ सिंह कम से कम गड़बड़ नहीं कर सकते, जो किया होगा ईमानदारी के साथ किया होगा। आपने अभी कहा कि हम संवाद के संकट को दूर कर रहे हैं, सरकार के वकार को वापस ला रहे हैं, लेकिन ऐसा है कहाँ? एक तरफ किसान अभी वेस्टर्न यूपी के लौट के गए हैं, सुब्बा राव की अगुवाई में किसान दिल्ली की ओर चले आ रहे हैं, महाराष्ट्र में वो दोबारा रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी डेडलाइन आ गई और वो पूरा नहीं हुआ, तमिलनाडु में अभी वो एजिटेशन कर रहे हैं। मैं पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा देख रहा हूँ जहाँ आपका किसान लगातार परेशान है और हमारी जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बुरी तरीके से शेक कर गया है। शेखर जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इस आज़ाद भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया, उस कारण यह संकट पैदा हुआ है। इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे, इस कंट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर यदि कोई एक कम्युनिटी है तो वह फार्मर की कम्युनिटी है। मेजर पॉपुलेशन मोर देन 50% फार्मर्स की है और वही सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया, लेकिन प्रयत्न हम लोगों की तरफ से जारी है। और मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शासनकाल की भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय थोड़े समय के लिए, एक साल के लिए मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, इस देश के इतिहास में पहली बार एग्रीकल्चर लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12%, 13%, 14% हुआ करता था उसे लाकर नीचे 4% किया जाना चाहिए, यह रिकमेंडेशन मैंने की थी, बाद में वह अमल भी हुआ, कई स्टेप्स लिए गए। और इस समय तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये वोट लेने के एक साल के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया देश के किसानों को कि
हम 2022 आते आते आज जितनी हमारे फार्मर्स की इनकम है उसे जस्ट डबल करेंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इनपुट कास्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने देखा होगा खरीफ की भी और रबी की भी एक अच्छी खासी जंप दी है हम लोगों ने, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो कमिटमेंट है कि हम उनकी इनकम को 2022 तक डबल करेंगे तो उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और मैं इसका कहता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि फार्मर की माली हालत आर्थिक हालत यदि बदलती है तो मैं समझता हूँ देश की इकोनॉमी को एक नया मोमेंटम मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आप कृषि मंत्री रहे हैं और मैं किसानों की बात बहुत लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल मेरे मन में हमेशा, विडंबना यह है कि किसानों की बात कोई लंबी खींचता भी नहीं। किसानों की बात वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मेरे खींचने से क्या होगा, लंबी तो आपको खींचनी है, आप कृषि मंत्री रहे हैं। राहुल गांधी अभी आरोप लगा के गए हैं कि दूसरी हरित क्रांति लाने की आवश्यकता है, पहली हरित क्रांति तो उनकी हुकूमत में आ गई, दूसरी हरित क्रांति के लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं। वैसे किसी शब्द को पकड़ कर बैठना नहीं चाहिए जी, हरित क्रांति और वाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, यह सब सारी टर्मोलॉजी आज़ाद भारत में चलती रही है, लोग इससे गुमराह होते रहे। ज़रूरत यह है कि फार्मर्स की इनकम को आज जितनी है उसको जस्ट डबल किया जाए, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे फार्मर बने, कर्ज के बोझ से उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, यह सब स्टेप्स उठाए जाने की ज़रूरत है। और फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए जो उसको इनपुट कास्ट लगानी पड़ती है, इनपुट कास्ट में कैसे कमी लाई जाए और जो कुछ भी वह पैदा करता है उस मार्केट में उसकी सही कीमत मिल जाए, हम लोग जो कर रहे हैं वो इसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए आप समझिए कि इस आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार 14 लाख करोड़ का प्रोविज़न हमारी गवर्नमेंट ने किया है, पहली बार रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। पिछले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, अब नए प्रधानमंत्री तो पत्रकारों से मिलते नहीं हैं, लेकिन वो जो पुराने वाले प्रधानमंत्री थे अपने, जब वो जा रहे थे तो आखिरी बार में वो हम लोगों से मिले थे कुछ महीने पहले, 8-10 लोगों से, और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि 5000 साल ये देश कृषि इकोनॉमी के सहारे चल चुका, अब इस देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने की ज़रूरत है। आपने रूरल इकोनॉमी की बात अभी कही, तो अगर रूरल इकोनॉमी सिर्फ कृषि से ही नहीं होगी तो उसके लिए कोई अब तक काम हुआ नहीं 4.5 साल में, अगर मुझे दिखता नहीं। क्यों नहीं, बहुत काम हुए हैं। मैं भी गांव से आता हूं, आप भी गांव से आते हैं। नहीं नहीं, ये देखिए ये बात सही है कि आप ये कहेंगे हर गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो गई हैं अथवा अन्य जो दूसरे काम होने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में होने लगे, तो मैं यह दावा नहीं करना चाहता, लेकिन उस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाया है। अब जैसे हमारी फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्रीज थी, आपने देखा होगा कि उनमें बहुत ही ज़बरदस्त एक इम्प्रूवमेंट आया है। पहले यूरिया फर्टिलाइजर उन्हीं इंडस्ट्रीज से जो पैदा होता था, बराबर उसकी कमी बनी रहती थी, किसानों को यूरिया फर्टिलाइजर हासिल करने के लिए क्यू में खड़ा होना पड़ता था, और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते थे कि उन पर लाठीचार्ज होती थी। जब से यह गवर्नमेंट आई है 2 साल के बाद से ही ऐसे हालात पैदा हुए हैं, यूरिया फर्टिलाइजर को लेकर किसी को क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। पर किसानों पे लाठी चार्ज कई बार हो चुका। नहीं हुआ, यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं हुआ अभी दिल्ली में। अरे लाठी चार्ज नहीं हुआ था। चलिए किसानों की बात हो गई, गांवों में एक संकट है वो अपनी जगह है, लेकिन एक नया टर्म आपने कर दिया अर्बन नक्सल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा जी ये कौन सी बात हुई, काहे के नक्सल हैं, और उनको छोड़ भी दिया उन लोगों ने, एक तो छूट भी गए, कुछ और लोग भी छूट जाएंगे। तो आपने मुझसे ही बातचीत पर कहा था 3 हफ्ते पहले कि शहरों में संकट पैदा हो गया है उन लोगों की वजह से। नहीं देखिए, ऐसा है कि माओइज्म को बोलचाल की भाषा में नक्सलिज्म कहते हैं, और इस नक्सलिज्म में, मैं बोलचाल के ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, नक्सलिज्म ने इस देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा किया है। इसके पहले जो हमारे मोदी जी के पहले प्रधानमंत्री थे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने भी कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो नक्सलिज्म का चैलेंज है।
और इस चैलेंज को मीट आउट किया जाना चाहिए, इस पर विजय हासिल की जानी चाहिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा। आज मैं यह संतोष के साथ यह मैं बात कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोगों को कामयाबी हासिल हुई है। 126 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जो नक्सलियम से प्रभावित थे, अब उनका नंबर कम हुआ है, लगभग 52-53 रह गए हैं, और ज़्यादा कंसंट्रेशन यदि नक्सलियम का आज भी है, केवल इस देश के 10-12 जिले ऐसे बचे हैं जहाँ पर कि वह सिमट कर रह गया है। पहली बार इस आज़ाद भारत के इतिहास में नक्सलियम के फ्रंट पर यह कामयाबी हासिल हुई है, पहली बार। अर्बन नक्सलियम अब उधर से भगकर कुछ लोग माओइज्म के प्रति एक आकर्षण पैदा करने के लिए इस फिलॉसफी को चलाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, या तो वायलेंस में खुद इंडल्ज हों अथवा वायलेंस को पूरी तरह से सपोर्ट करें, प्रमोट करें। इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट के संबंध में, जिसको जो कहना है उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फिलॉसफी डिफरेंट हो सकती है, भले ही हम उससे सहमत हों ना हों, सब चलेगा, लेकिन किसी को वायलेंस इस देश में प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अर्बन नक्सलिज्म पर जैसे आपकी सरकार के एक हिस्से का आरोप था, आपकी पुलिस का आरोप था कि उन लोगों ने प्रधानमंत्री और आपकी हत्या की साजिश रची, ये गंभीर बात थी, लेकिन कोर्ट में वो प्राइमा फेसाई प्रूव नहीं कर पाए, आगे तो बढ़ने की बात अलग है, तो उससे ये लगता है जैसे कि वो उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला कर लिया और शायद इनपुट उनके पास पूरे नहीं थे। यदि जल्दबाजी में फैसला किया होता तो क्यों कहे ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कहती कि नहीं, पुलिस को पूरी आज़ादी है, वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उस पर कोई बैरियर कोर्ट ने नहीं लगाया। अच्छा, आपने अभी कहा कि वो लोग भागकर शहरों में आ गए हैं, मैं कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा मैं हाइप भी नहीं क्रिएट करना चाहता, कोई इसके कारण कोई बहुत संकट पैदा नहीं है, लेकिन कोशिश हो रही है, इनिशियल स्टेज पर ही हम उसको चेक करना चाहते हैं। ये ठीक है कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बहुत कमी आई है नक्सली हिंसा में, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि 23 सितंबर को आंध्र प्रदेश के गांव में 50-60 नक्सली घुस आए और उनका नेतृत्व एक महिला कर रही थी और उन्होंने AK-47 थी उनके हाथ में, तो इसके दो चीज़ें थी, पहली बात उनका जो सेकेंड लाइन का जो लीडरशिप थी वो नई डेवलप हो गई है, और दूसरी बात कि उनके पास बॉर्डर हथियार आ गए जो इससे पहले नहीं होते थे। नहीं नहीं, हथियार तो पहले भी थे, अब उसमें काफ़ी कमी भी आई है। और जहाँ तक आंध्र प्रदेश की घटना का सवाल है, जहाँ तक मुझे जानकारी जो वहाँ की पुलिस के द्वारा दी गई है कि दोनों पॉलिटिकल लीडर्स को रोका जा रहा था कि वहाँ पर इस प्रकार की इनपुट्स हैं, बिना सिक्योरिटी के आपको वहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन वो चले गए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि पूरी तरह से नक्सल इंसिडेंट्स अब समाप्त हो चुकी हैं, इस देश में नहीं हो रही हैं, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि पहले से मोर देन 50% की कमी आई है 4 वर्षों के अंदर। इस नक्सलिज्म को पूरी तरह से रूट आउट करने में समय लगेगा, हम जनता का भी सहयोग हासिल कर रहे हैं, और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट की स्पीड को और हम लोगों ने तेज किया है। आपकी हुकूमत में एक चीज़ सामने आई है कि कश्मीर के अलावा देश में कहीं कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि रातों रात कुछ चीज़ें बदल गई, किया क्या आप लोगों ने? हाँ, ये सच है, और अब क्या किया ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई। ये पहले हो रही थी, पहले क्यों हो रही थी, अभी इसकी एनालिसिस आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं मुझसे बेहतर, मैं करूँगा तो ये होगा कि ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कश्मीर पे आते हैं, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई, कश्मीर में आप कश्मीर पर भी आइए, नार्सिस भी चलेंगे, मैं चलते हैं वहाँ। मुइवा बीमार है, मुझे लगता है झटका लगने वाला है आपको, वहाँ टी मुइवा बीमार है, लगता है झटका लगने वाला है, लेकिन आता हूँ उस पर, अभी पहले कश्मीर की बात कर लो। तो जो कश्मीर में जो आज की स्थिति है, आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी में सरकार बना ली, बड़ी जल्दी थी, ऐसा लगता था बीजेपी को कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी हुकूमत हो, और उसका उल्टा असर पड़ गया। कश्मीर में जो शांति प्रोसेस ठीक हो गया था, पत्थरबाज थोड़े घर बैठ गए थे, वो फिर लौट आए,
फिर दिक्कतें पैदा हो गई। ऐसा नहीं है कि पत्थरबाजी घर बैठ गए थे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बनी थी तब भी पत्थरबाजी हो रही थी, और पत्थरबाजी का सिलसिला 4 वर्षों में प्रारंभ हुआ हो ऐसा नहीं है। 95 की भी आपको घटना की याद दिलाना चाहता हूँ। स्टोन पेल्टिंग की कितनी घटनाएं हुई उसका नंबर की यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, मैं टेरर इंसिडेंट्स की चर्चा करना चाहता हूँ। 95 में अप्रॉक्सीमेटली 6,000 टेरर इंसिडेंट्स की घटना हुई थी, 2017 में 370 या 360 के आसपास जो है टेरर इंसिडेंट्स की घटनाएं हुई हैं। तब पहले का और आज की आप तुलना करेंगे तो आपको स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कश्मीर के हालात में सुधार होना चाहिए। विडंबना यह है कि हमारा एक जो पड़ोसी देश है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि भारत ने अपनी तरफ से, मैं केवल जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्हीं की बात मैं नहीं करता हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर रहा हो, सभी प्राइम मिनिस्टर्स ने यह कोशिश की है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते सुधरने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। सब ने अपनी कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसकी कंपल्शंस हैं कि वो पाकिस्तान कर नहीं पा रहा है, टेररिज्म को बराबर प्रमोट करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट को भारत में भी वो लगातार इन्फिल्ट्रेट कराने की उसकी कोशिश अब भी जारी है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर की जब बात आती है तो एक बड़ा सहज और सरल सा आंसर है कि जी पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान से जूझने की जिम्मेदारी तो मैं कह रहा हूँ, पूरी ऑडियंस बैठी है, कोई बतला दे कि यदि हमारा ये वर्जन गलत हो, यहाँ पर कोई कंट्राडिक्ट कर सकता है? यह हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और मैं ही नहीं मानता, इस समय तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है। आपने जिन लोगों के साथ कश्मीर में समझौता किया, जिनके साथ आपने सरकार चलाई इतने साल, उनके ऊपर बड़े आरोप थे कि वो आतंकवादियों के प्रति उनकी एक लचीली नीति है और उसका नुकसान कश्मीर को उठाना पड़ेगा। आखिर आपको निर्णय करना पड़ा उनसे तलाक लेने का? देखिए, जिस समय इतनी इतनी मोहब्बत से आपने अपने को जोड़ा उनसे और फिर ये तलाक हो गया, ये तो पहले से तय था या आप दोनों ने मिलकर तय कर रखा था? जम्मू कश्मीर असेंबली के जब चुनाव हुए थे उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। नंबर वन की पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर PDP आई थी, नंबर टू पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर BJP आई थी। हम लोगों ने सोचा कि यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि जनादेश मैंडेट का सम्मान करते हुए हम कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर यह गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि जनता यदि चाहती है कि गवर्नमेंट बननी चाहिए तो बनाना चाहिए, और देखेंगे कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं था, इसे मैं स्वीकार करता हूं। आप मानते हैं जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर में मैं दो ट्रेंड देख रहा हूँ। अगर मैं पंजाब से तुलना करूँ तो पंजाब का आतंकवाद तब खत्म हुआ था जब आतंकवादियों ने पंजाब पुलिस के नौजवानों या उनके घर वालों को मारना शुरू किया था, पंजाब पुलिस उठकर खड़ी हो गई थी। या उल्टा हो रहा है, पुलिस वाले इस्तीफा दे के घर बैठ जा रहे हैं कि हमारी रक्षा नहीं हो पा रही है, हम नहीं लड़ेंगे इससे। देखिए, ये एक दो इंसिडेंट्स तो उस समय पंजाब में भी हुए थे, इसके आधार पर पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम नहीं किया जा सकता, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस समय चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हों जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज बोलते हैं उनका, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का, एक अद्भुत म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। और यही कारण है कि 4 वर्षों में लगभग 700 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल की है। ये जो न्यूट्रलाइजेशन का आपका फंडा है, मुझे इससे डर लगता है साहब। ये ट्रिगर हैप्पी कॉप्स जो हैं, अब देखिए लखनऊ में क्या हो गया, वहाँ भी ये था कि हम लोगों को मारेंगे, अपने यहाँ से अपराध खत्म कर देंगे, एनकाउंटर्स की बिल्कुल बाहर सी आ गई थी जैसे। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना, वो टेररिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों ना कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आम लोगों को मारने की बात, आम लोगों को मारने भाई ये अब जाहिर है कि उनके द्वारा इंसिडेंट्स जो हुई हैं तो बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बैठेंगी नहीं।
कार्रवाई तो करनी होगी। लॉजिक ये भी था कि उत्तर प्रदेश पे भी लॉजिक यही था, पिछली बार इसी हिंदुस्तान टाइम्स सबमिट पे हैं, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था कि जब कोई पुलिस को मारेगा तो पुलिस बैठी तो नहीं रहेगी। तब मैंने उनको याद दिलाया था, आपको तो उनसे ज़्यादा याद होगा, कि कल्याण सिंह और वीपी सिंह के वक्त में थानों में एक प्रोफार्मा रखा रहता था, उसमें बस नाम पता जगह वल्दियत ये बदल जाती थी, और यही होता था कि बदमाश उस पुलिया के पास छुपे हुए थे, पुलिस जा रही थी, उन्होंने ललकारा, उन्होंने गोली चलाई, उन्होंने मार दिया। तो लगभग वही दिन आ गए थे। लेकिन जो सबसे संकट वाली बात है कि जिस तरह उस प्रशांत चौधरी नाम के सिपाही जिस पर आरोप है कि उसने उसकी हत्या की, एक सिविलियन की, एप्पल के मैनेजर की, उसकी पत्नी के खाते में लगातार पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर बावर्दी पुलिस वाले अपील जारी कर रहे हैं कि आप इन्हें पैसे दीजिए, और ये बड़ी ख़राब निज़ाम है। खैर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस संबंध में कार्रवाई की है, आज भी आपने एक कार्रवाई हुई अब तक, अभी अभी हाल में कार्रवाई की है जी, लेकिन वो विवेक तिवारी का जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ, जिसकी भी उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई थी, वहाँ के DGP से भी बात हुई थी, और उसमें क्विक एक्शन वहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है। और आपने देखा होगा कि जो विक्टिम की वो पत्नी है उसका भी एक इंटरव्यू आया है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उसको लेकर उसने संतोष जाहिर किया है कि नहीं, मुझे कोई शिकायत अब गवर्नमेंट से नहीं है। उस महिला ने संतोष जाहिर करने के दो दिन बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे पुलिस वाले धमका रहे हैं और मेरी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं। वो तो उस संबंध में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, और जो कुछ भी है वो कार्रवाई कर रहे हैं। पर स्टेट तो आपकी है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप लखनऊ से MP हैं, देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ से आते हैं, और सरकार भी आपकी है। तब स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट आने से क्या होता है? राजनाथ जी, एक सवाल बहुत सालों से है कि पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म न होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पुलिस में भर्तियां भी रुकी पड़ी हैं, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं है, उनके वर्किंग कंडीशंस भी ऐसे हैं कि वो कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं। तो अगर हम उसे अपने लोगों के हिसाब से देखें तो आपको नहीं लगता कि पुलिस रिफॉर्म के लिए भी आपकी सरकार ने 4.5 साल में वो नहीं किया जो करना चाहिए था? नहीं, अभी तो बीच में एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि 14 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी, ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन ये स्कीम ही बंद कर दी गई थी। लेकिन स्वयं मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मेहरबानी की कि तुरंत 1 साल के अंदर ही उस स्कीम को फिर से रिवाइव किया है, उसकी ज़रूरत को समझते हुए, और फिर से हम लोगों ने एक उसी के अंतर्गत एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई है, और 25,000 करोड़ का एक ये बजटरी प्रोविज़न हुआ है उसके लिए। तो अब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन का सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ कर लेगी यह संभव नहीं होता। हमको जो भी करना है वो स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से ही करना है। हम स्टेट गवर्नमेंट को फंड देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी भी जारी करते हैं, समय समय पर उसे रिव्यू भी करते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप अभी चीज़ें नहीं हो पाई हैं और कुछ करने की ज़रूरत है, इसे स्वीकार करता हूँ। आपने अभी नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, ये बात ठीक है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति है, ये बात ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पर जाने के पहले मैं, अब चूंकि कश्मीर का आपने सवाल किया था, मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लंबे अरसे के बाद वहाँ पर लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं इस समय, पंचायतों के चुनाव और अर्बन लोकल बॉडीज के भी, उसमें बहिष्कार भी हो रहा है उतने। नहीं, बहिष्कार मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसे वेस्ट बंगाल में चुनाव अभी पंचायतों का हुआ है, आप उठाकर देख लीजिए, more than 33% वहाँ अनअपोज्ड लोग हुए हैं। तो आप बंगाल को, आप बंगाल को कश्मीर से बड़ा टेररिस्टान बोल रहे हैं? तुलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाल में चुनाव हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाल में ही चुनाव हुआ है और उसके बाद यहाँ के लोकल बॉडीज का चुनाव हो रहा है, इसलिए मैंने वो कहा बात। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अनअपोज्ड हुए हैं, कुछ ऐसे भी वार्ड्स हैं जहाँ पर कि नॉमिनेशंस नहीं हुए हैं, लेकिन पहली बार एक पॉलिटिकल प्रोसेस लंबे अरसे के बाद इस क्राइसिस में इस गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया है। नहीं तो कोई ये पहले इसके लिए तैयारी नहीं हो रहा था कि हालात ऐसे नहीं हैं, नहीं चुनाव हो सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 90% पॉपुलेशन इस समय जम्मू कश्मीर की लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भाग ले रही है।
ग्राम प्रधानों की हत्या के बाद ये बड़ी बात होगी अगर 90% लोगों का टर्नआउट होता है, क्योंकि कितने ग्राम प्रधान मारे गए। टर्नआउट नहीं, मैंने जो इन्वॉल्व जितने लोग पॉपुलेशन होगी, ठीक है, टर्नआउट 90% नहीं होगा। जी जी, इन्वॉल्वमेंट पूर्वोत्तर की बात कर रहे थे, पूर्वोत्तर में आप लोगों ने नगा एकॉर्ड किया, कुछ काम किया, लेकिन जो आपके दूत हैं वहाँ मिस्टर मोइवा, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आपको लगता है कि आप इस प्रोसेस को उनके रहते रहते मुकम्मल कर लेंगे? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तबीयत ठीक रहे, और फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट जो हुआ है, फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट मेच्योर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि वो मेच्योर होगा। पूर्वोत्तर से मुझे याद आया कि कई जगह भारत का पोरस बॉर्डर है, आपकी समुद्र की सीमा बहुत लंबी है, और ये अकेला ऐसा देश है जहाँ समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ सब कुछ हैं बॉर्डर पे, तो बॉर्डर के मैनेजमेंट का कोई व्यापक सिस्टम अभी तक इस देश में नहीं बना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप कुछ कर रहे हैं? वैसे देखिए, आज़ादी हासिल होने के बाद से ही बॉर्डर्स को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए सभी गवर्नमेंट्स ने कदम उठाए हैं, मैं केवल अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी गवर्नमेंट्स ने कदम उठाए, लेकिन अब भी मैं फुल प्रूफ नहीं मानता कि पूरी तरह से बॉर्डर सिक्योर है। अभी 3.5 साल पहले मैं इसराइल गया था, इसराइल जाकर वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है इसको मैंने बहुत ही गौर से देखा, पूरा लगभग 4-5-6 घंटे का समय उनके कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर था वहाँ पर बैठकर भी मैंने लगाया, और लगाने के बाद तब फिर मैं यहाँ पर आकर अपने अधिकारियों की बैठक की और मैंने कहा कि वही सिस्टम बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हम भारत में भी चाहते हैं। तो 3-3.5 साल के अंदर ही 2 पायलट प्रोजेक्ट्स, एक जम्मू कश्मीर में लगभग 10-12 किलोमीटर का और असम के धुबरी में लगभग 60-62 किलोमीटर, वो नवंबर में मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, एक ऐसा सिस्टम जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एक नया सिस्टम बॉर्डर को सिक्योर करने का, उसको लॉन्च किया है, उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। उसमें हम राडार का प्रयोग करेंगे, हम सेंसर्स का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे सर्विलेंस के दूसरे सिस्टम्स होते हैं उनका हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर बैठकर कोई व्यक्ति ये देख सकता है कि भारत के फला बॉर्डर के फला पार्ट से कौन एंट्री हो रही है, कैसे लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर जगह जगह पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड होंगी उनको इंस्ट्रक्शन सीधे विद इन मिनट उनके पास पहुँचेगा, और वहाँ पर जो भी कार्रवाई करनी है वह फोर्स जाकर अपनी कार्रवाई करेगी। तो आप माने, अब मैं समझता हूँ कि इसराइल के अलावा शायद और किसी देश में हो अथवा न हो, लेकिन ये हमारा ये भारत है, जिस भारत में जिसकी की लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन सब मिलाकर मोर देन 22,000 किलोमीटर, उसमें हम इस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ अपने भारत के लिए एक मेजर अचीवमेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी। तो ये जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता वाली जो सिस्टम होगा, ये कब तक पूरा हो जाएगा? परिंदा ये देखिए कोई दावा नहीं कर सकता परिंदा पर नहीं, परिंदा है तो पर मारेगा। नहीं, मैंने सिर्फ एक मुहावरा बोला। परिंदा है तो पर मारेगा, लेकिन परिंदा को यदि पर मारने की यदि कोशिश करता है तो उसके बचाव की भी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट आपसे बात करते मैं पता नहीं क्यों समय कहाँ पहुँच जाता है, ये घड़ी कुछ और बोल रही है, कुछ सवाल थे लेकिन नहीं, सवाल बहुत हैं और बढ़ा दीजिए थोड़ा, क्या सवाल बहुत हैं। डॉक्टर तंवर का सवाल है, उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि वायलेंस आप टॉलरेट नहीं करेंगे, वायलेंस आप टॉलरेट बिल्कुल नहीं, लेकिन मॉब लिंचिंग पर आप लोग आंखें बंद कर लेते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बट यू टर्न अ ब्लाइंड आई टू लिंचिंग। देखिए मॉब लिंचिंग के बारे में वैसे जो भी स्टेट गवर्नमेंट, देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रोल यही है कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी एडवाइजरी भेजें, हम उनको बतलाएं कि इसमें यह स्टेप लीजिए, सख्त कार्रवाई इस प्रकार की घटनाओं में होनी चाहिए, वो किया है हम लोगों ने। 28 एक डॉक्टर अनुपमा का सवाल है कि कश्मीरी पंडितों को 28 साल हो गए बेघर हुए, और आप लोगों का चुनावी वायदा था कि वो वापस जाएंगे, तो अगले चुनाव के बाद हम लोग उम्मीद करें? नहीं,
कश्मीरी पंडितों के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट में भी जब हमारे मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, पहली बार जो मुझसे मिलने के लिए आए थे, उसी समय मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने ये कहा कि मैं जल्दी से लैंड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और लैंड आइडेंटिफाई करने अच्छा 500 करोड़ का एलोकेशन भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कश्मीरी पंडितों के लिए कर दिया था। लेकिन उस बीच वो अस्वस्थ हुए, फिर महुआ जी आए, इनको भी मैंने आग्रह किया। तो लैंड तो मुझे जानकारी यह दी गई कि वो आइडेंटिफाई की जा चुकी है, लेकिन उस पर जो है जो ये मकान वगैरह बनने की बात थी वह काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये गवर्नर रूल है, मैं गया था जब मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी श्रीनगर में, तो वहाँ पर भी मैंने इसकी चर्चा की है, ऑफिसर्स के को भी इंस्ट्रक्शन इस संबंध में दिए हैं और वहाँ के राज्यपाल महोदय को भी मैंने कहा है कि थोड़ा सा इस काम में तेज़ी लाई जानी चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं, नहीं पूछ पाऊँगा, मुझे माफ़ करें। हरबीन जी यहाँ कहीं बैठी होंगी, उन्होंने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही। उन्होंने कहा, अच्छा वो बैठी हुई हैं, उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी की जो बात है वो महिलाओं के दिल तक पहुंचती है, वो कोई नेगेटिव बात नहीं करते, वो बहुत ही भद्र हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते, उनका नज़रिया बड़ा साफ लगता है। राजनाथ जी, अगला चुनाव पास में अगर सारी महिलाएं यही सोचने लगी तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। नहीं, वो बुरी नज़र से कहाँ देखने की बात कर रही थी, वो तो ये कह रही थी कि वो बड़े अपीलिंग हैं। मैंने अच्छी नज़रों से सबको अच्छी नज़रों से देखें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक सवाल मैं आपसे पूछता आया हूँ, मैं आज फिर पूछ रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। डॉन को पकड़ना क्या वाकई नामुमकिन है? चैलेंज है, लेकिन उसको स्वीकार किया है हम लोगों। आपका BSF का एक जवान मारा जाता है, आप कहते हैं कि हमने कुछ किया है, बताएंगे नहीं ऐसा किया है, तो ऐसा कुछ कभी होगा कि आप भले ही ना बताएं लेकिन कुछ हो जाए? जो मैंने कहा था, मैं तो सबसे सबके सामने पूछना चाहता हूँ कि एकदम एब्सर्ड तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल, कुछ रहा होगा तभी मैंने बोला है। हाँ हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप एब्सर्ड आज भी ना बोलें, लेकिन हम ये उम्मीद करें कि एक दिन आप हमें ये कहेंगे कि शशेखर तुम जो सवाल पूछते थे ऐसा हो गया, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा तुम्हारा है? जवाब साफ नहीं दे रहा, लेकिन जो तुम पूछते थे वो हो गया। अब क्या चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये हो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मानस का, लेकिन इतना मैं बतला देना चाहता हूँ, पूरी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, 23 सितंबर 2014 को मैंने दो टूक शब्दों में अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी विशेष रूप से जिनके कंधों पर है, LOC पर आर्मी भी रहती है, BSF भी रहती है, उसी दिन मैंने एक घटना हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे, उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मैंने अपनी तरफ से दे दिया था। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा साहब हम लोगों ने 16 टाइम्स वाइट फ्लैग दिखाए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा अब क्या सोचा है, उन्होंने कहा कि DG ने बताया कि साहब एक बार और दिखाना चाहते हैं 17वीं बार 17 टाइम्स। तब सीधे उसी समय रात को 10:15-10:30 बजे थे, मैंने कहा आज से मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलाई जानी चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वही हुआ है, और वही हुआ है, उसके बाद काउंट मत करो कि क्या हो रहा है। वो ठीक है राजा जी, एक अच्छा आपने देखा होगा, उसका परिणाम दिखा है। ये एक अजीब बात है, जब कोई नया प्रधानमंत्री उधर होता है या नया प्रधानमंत्री इधर होता है, कोई खीर खाता है, कोई बस ले जाता है, कोई एकातेरिन बर्ग में मिल लेता है अकेले में, कोई कुछ और करता है, दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान ग्रंथि जो है, पाक कॉम्प्लेक्स हमारा है या उनका है, हिंदुस्तान कॉम्प्लेक्स, वो दूर कब होगा? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आज सरकार आप हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान के बारे में? लेकिन कभी ना कभी सुधरेगा, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में धीरे धीरे आइसोलेट काफ़ी हुआ है, काफ़ी आइसोलेट हुआ है। लेकिन मुझे खुशी एक बात की है जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा,
कि इस टेररिज्म को कभी भी किसी जाति अथवा मजहब अथवा धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं बहुत इसको करना, कभी कभी लोग जोड़ते हैं। आप पार्टी लाइन से अलग तो नहीं हो रहे? नहीं, क्या बात है, ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। यदि कोई हमारे इस बतला दे कि इसके पहले मैंने कुछ बोला है और आज मैं कुछ दूसरा बोल रहा हूँ, ये क्लियर हमारा स्टैंड है कि जाति मजहब धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज सारी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज भी इस टेररिज्म को कंडम कर रही हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी कंडम कर रही हैं, और आज ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को ये रोकना चाहिए टेररिज्म, इसके बारे में इस्लामिक कंट्रीज भी सारी दुनिया के साथ खड़ी हो रही हैं, इसलिए उसके साथ जोड़कर देना देखना नहीं चाहिए। ये सच है कि सऊदी अरब ने भी टेररिज्म भी एक क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, अब ये इस्लामिक कंट्रीज भी बोल रही हैं। रेडिकलाइजेशन के बारे में भी मैं कहता हूँ, दुनिया के दूसरे देशों में रेडिकलाइजेशन तेजी के साथ बढ़ा होगा, लेकिन हमारे, मैं अपने देश के मुसलमानों को सचमुच मैं बधाई देना चाहता हूँ कि रेडिकलाइजेशन को भारत में उन्होंने नहीं बढ़ने दिया है, पूरी तरह से कोऑपरेट किया। बहुत बहुत संक्षेप में, आखिरी दो मिनट है, मैं बहुत संक्षेप में आपसे एक दर्द, एक पत्रकार ने मेरा भी बोल दिया है, मानस हैं CNN न्यूज़ 18 के, वो कह रहे हैं कि पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं और फ्री स्पीच पर ऐसा लगता है जैसे कुछ बंधन लगा रहे हैं आप लोग। पहले कहीं कोई घटना हो तो बतलाइएगा शेखर जी। JK जैन साहब हैं, पूर्व सांसद राज्यसभा, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और आप लोग जो हैं उसको उन्होंने पेट्रोल से जोड़ा है, लेकिन मैं एक सवाल ये भी आया है कि आप उसकी प्रगति में रोड़े अटकाते हैं क्योंकि आपकी सरकार नहीं है वहाँ, जबकि बहुत कुछ जिम्मेदारी आपकी है दिल्ली पर। नहीं नहीं, दिल्ली की प्रगति पर हम रोड़े कैसे अब ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके तहत ही हमको काम करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट चलाने वालों को भी इस हकीकत को समझना चाहिए कि दिल्ली फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है। मैंने कहा था कि पेट्रोल से जोड़ा, मैंने, जी हाँ जनाब, मैंने कहा कि पेट्रोल से जोड़ा है, लेकिन मैं अपना सवाल जोड़ रहा, मैंने बिल्कुल कहा था ये। मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये जो राजनीति है, आप BJP के एक बहुत ही सफल अध्यक्ष रहे हैं और आज जो राजनीति ऐसी लग रही है कि आप अपनी ताकत पे खेलने के बजाय दूसरों को तोड़ रहे हैं। कल तक बहन जी दूसरी बात बोल रही थी, जैसे किसान रातों रात पलट जाते हैं वैसे ही बहन जी रातों रात पलट गई, ये मामला क्या है? अब इसका जवाब तो बहन जी ही दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज महाराष्ट्र से भी एक खबर आई कि अगर शिवसेना अलग हो रही है तो कोई दूसरे मराठा सज्जन है, उनसे आपकी दोस्ती की बातें चल रही हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं आपके वो। देखिए, ये नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अभी तक कंफर्म नहीं है। देखिए, अपोजिशन इस समय किसी भी सूरत में सत्ता में आना चाहिए, BJP बाहर जानी चाहिए, यह कोशिश हो रही है, उसके लिए महागठबंधन भी बनाने की कोशिश हो रही है और सिंगल एजेंडा है, BJP रोको, मोदी रोको। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स किसी को रोकने के लिए नहीं की जानी चाहिए। पॉलिटिक्स यदि करनी है तो पॉलिटिक्स बराबर देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। उस ये सुझाव दे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ होता है तो उसकी आलोचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी, आपसे जितने सवाल मैंने पूछे आपने साफ साफ जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। मे आई रिक्वेस्ट Mr. Praveen Someshwar, CEO and MD of HD Media, to please present Mr. Rajnath Singh with a small token of appreciation.